सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड पुलकित एंड आई एम परसिंग एमबीबीएस इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो गया है और आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन कराने के लिए, तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर देख के जाना। इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एंड अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ बीएमएमसी की, तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड हुई थी एंड क्या गलतियाँ मैंने की थी जो कि आप अब ना करो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज जो सब हर इंसान को पता होगी, अपना नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, ये चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे बेसिक ही है। उसके बाद अपनी आप ट्वेल्थ की मार्कशीट ले सकते हो, टेंथ की मार्कशीट आपको लेनी है, एंड अपने प्रीवियस स्कूल से, जिस स्कूल से आपने इलेवंथ एंड ट्वेल्थ की, से वहाँ से आपने अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेनी है, SLC लेनी है, करेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको एक अपनी नियरेस्ट तहसील में जाके अपनी कैप सर्टिफिकेट बनानी होगी, एंड अगर आप इस कॉलेज में अपने रिजर्वेशन से आ रहे हो तो कोई भी कास्ट रिजर्वेशन है तो कास्ट सर्टिफिकेट, एंड अगर फिजिकल हैंडीकैप रिजर्वेशन से आ रहे हो तो फिजिकल हैंडीकैप। बाकी जो चीज़ रहती है आपकी, हर कॉलेज की अपनी अलग एक बॉन्ड पॉलिसी होती है, सोलवेंसी सर्टिफिकेट होती है, एंटी रैगिंग होती है, वो आप अपने कॉलेज की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करूँ मैं अपने कॉलेज की, मेरे कॉलेज में नॉर्मल चीज़ें तो बताई थी मैंने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। गलती क्या की थी मैंने, अपने NCC पोर्टल से वो चीज़ का प्रिंटआउट नहीं निकलवाया था रजिस्ट्रेशन का। दूसरी चीज़ क्या की थी मैंने, जो अपना बॉन्ड जो हमारे कॉलेज की वेबसाइट पे है, बॉन्ड पॉलिसी एंड जो सोलवेंसी एफिडेविट है, एंटी रैगिंग है, इस पर एक गजेटेड ऑफिसर के साइन चाहिए होते हैं। वो आप अपना देख लेना, आप गजेटेड ऑफिसर किससे करवाओ आपकी मर्जी है, लेकिन गजेटेड ऑफिसर के साइन जरूर से जरूर करवा के लेके जाना। क्योंकि यार देखो, वही अगर आप नहीं कराओगे तो मान लो आप लास्ट दिन जा रहे हो, अगर आपकी ये चीज़ इनकम्प्लीट हो तो आपका एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ अपने लास्ट दिन से तो पहले ही जाओ एटलीस्ट, ठीक है। अगर मान लो कोई भी बाई चांस कुछ भी दिक्कत आए तो आपके पास टाइम हो ठीक कराने का। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब।